उधर दिन दिहाड़े एक प्रवासी ढाबा मालक ते तीन बाइक सवार लुटेरियां वल्लों जानलेवा हमला किया गया। लुटेरिया ने ढाबे के अंदर वड़ के ढाबा मालक ते इट्टां रोड़ियां नाल सिर च वार किते। सिर च इट वजन कारण ढाबा मालक गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गया। मौके दी सारी घटना सीसीटीवी कैमरे च कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी तस्वीरां च तुसीं साफ देख सकदे हो कि किस तरह तीन बाइक सवार लुटेरे ढाबे च वड़दे ने अते बिना कुछ पुछे दसे प्रवासी ढाबा मालक ते इट्टां रोड़े अते कुर्सियां चलाउणियां शुरू कर दिंदे ने। इस दौरान इट्टां वजण कारण ढाबा मालक बुरी तरह जख्मी हो गया ते मुलजम मौके तों फरार हो गए। पहला तुसीं भी देखो यह सीसीटीवी वीडियो। दस दिए कि पंजाब च गुंडागर्दी दिनों दिन वधदी जा रही है, जिस कारण प्रवासियों के नाल नाल फिरोजपुर के लोग भी डरे हुए ने। हाल ही च अजिहा मामला सामने आए जिथे एक प्रवासी परिवार रोजी रोटी कमाउण लई ढाबा चला रहा है अते इस ढाबे च दिन दिहाड़े तीन बाइक सवार लुटेरे ढाबे ते आ के प्रवासी ढाबा मालक नूं बुरी तरह जख्मी कर दिंदे ने। जख्मी हालत च उसनूं हस्पताल च दाखिल करवाया जांदा है पर मुलजम मौके तों फरार हो जांदे ने। उत्थे ही जख्मी ढाबा मालक दे वल्लों इंसाफ दी मंग कीती गई है। ਮਿੱਤਰਾਂ ਢਾਬਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਢਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੱਤੀ ਵਾਲੇ ਫਾੜਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਾੜਕ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਆਏ ਜੀ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਭੈਣ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦਬਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਨੇ ਜੱਗ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਭੱਜਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋੜੇ ਫੜ ਲਏ ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੀਲੈਕਸ ਸੀ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ हस्बैंड है मेरे कल सामान लेके आए सामान रखा हम दो सामान रखने लग गए ये बैठ गए पंखे के नीचे बस 10 मिनट में बंदे आए तीन आके अंदर हमें लगा कस्टमर है इनके पास ही आए वो बस उठा के कुर्सी मारने लग गए एक ने जग मारने लग गया हमें लग फिर मैं मारने को उनको डंडा उठाने लगी मुझे मारने को दौड़ा आप ही थे यहाँ हाँ जी इधर ही थे आपके सामने हुआ था हाँ जी मैं हम कोई तो फिर हम वो जग मारने लगे फिर मुझे कुर्सी दौड़ा मारने को ये लोहे वाली फिर मैं उधर बगल वाली दुकान में भाग के गई मैं कब मार रहे कोई भी किसी ने नहीं बोला कुछ भी फिर वो सरपंचों को इसको भेजा मैं कहा उनको बुला के ला जब ये बुलाने गया इतनी देर में इनको मार के ये पूरी खून की टी शर्ट भीग गई इनकी सिर फट गया यहाँ भी सारे पासे फिर ये वहाँ को दौड़ के बाहर को गए तो फिर वो और आगे गए दो बंदे उन्होंने पकड़ा फिर वो बचाने लगे फिर वो इतने में भाग गए तुरंत ही बैठ के पुलिस कल आई बस कुछ कार्रवाई कुछ भी नहीं की तब आज भी आए बस नाम लिख के ले गए अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की तब फिरोजपुर तो सुखचैन सिंह की रिपोर्ट हमदर्द टीवी।